फ्यूचर अब बदल चुका है और उसके रिजल्ट्स अब दिखने वाले हैं। सेवेज लैंड ईयर्स पहले, जहाँ पर हैंक पिंग पो मारकर सुजन और वुल्वरिन अपनी कार में बैठकर आ चुके थे, जहाँ पर सो कहती है कि हमने ये क्या किया। तब वो कहता है, मैंने इसीलिए मिसेज रिचर्ड तुम्हें कहा था कि अंदर बैठो, तुम अगर कार में बैठी रहती तो तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती और तुमने खुद ही ये चॉइस की थी। यहाँ पर वुल्वरिन गाड़ी उस डेस्टिनेशन से दूरी पार्क करता है और उस गाड़ी को छुपा देता है। तब यहाँ पर सुजन कहती है कि अगर हैंक पिम नहीं है तो अल्ट्रॉन नहीं होगा, और अल्ट्रॉन है ही नहीं तो विजन का क्या? तो क्या हम एक ग्रेटेस्ट एवेंजर ऑफ ऑल टाइम को खो देंगे? और उन कामों के बारे में क्या जो कि उसने किए थे, जैसे कि स्कारलेट विच से शादी करना और वो दुनिया को बचाना। तब वुल्वरिन गाड़ी छुपाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता और ना ही तुम्हें पता है, लेकिन जो हम दुनिया छोड़ आए थे उससे तो वो कहीं बेहतर होगी। और वो पूछती है कि तुमने गाड़ी यहाँ पर क्यों पार्क की, क्योंकि हम यहाँ से मीलों दूर है। तब वो कहता है, क्योंकि हमने ये गाड़ी चुराई है यंग एंड हैंडसम निक फ्यूरी से, और वो अगर हमारी तलाश कर रहा है तो वो आसपास जरूर ढूंढेगा, और अगर एक बार हम वापस चले गए तो हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन तभी वुल्वरिन को कुछ सुनाई देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डायनासोर उन पर अटैक कर रहा था। तब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी सू कहती है, पीछे हटो, इसे मैं संभालती हूँ। और वो बताती है कि हमेशा किलिंग ही एक जरिया नहीं होता किसी को शांत करने का, और उसके मुंह में फोर्स फील्ड क्रिएट करके वो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पर वो लोग उस केव की तरफ पहुंच चुके थे और अंदर जाकर वो एक टाइम जंप करते हैं आज के समय में। यहाँ पर सेवेज लैंड एंटार्क्टिका पूरी तरह से अलग थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वॉरशिप्स का एक वेस्टलैंड बन चुका था, और वुल्वरिन कहता है हम दोनों को इनविजिबल करके वहाँ पर नीचे ले जाओ, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस जंकयार्ड के बीच में ले जाती है। जहाँ पर वो देखते हैं कि वो लोग स्पेस क्राफ्ट के जंकयार्ड के बीच में थे, जो स्पेस क्राफ्ट एलियन के थे। यहाँ पर वो कहता है कि ये किसी अलग तरीके की स्कल लग रही है। तब सू कहती है कि ये स्क्रल की स्कल है, और वो बताती है कि ये शिप्स क्री और स्क्रल दोनों के लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्री स्कल वॉर हो चुका है। तब वो कहता है कि आखिर वो क्या है। तब वो बताती है कि दो हार्डकोर एलियन रेसेस बैटल कर रहे थे अर्थ के लिए और उनके राइट्स के लिए, जिनको एवेंजर्स ने रोक लिया और यहाँ पर तबाही होने से पहले रोक ली थी। वो दोनों इनविजिबल थे ही कि तभी कुछ स्टार्क गार्ड्स की वो बातें सुन लेते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर स्टार्क बहुत बड़ा टेक्नीशियन है, और वो लोग न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर सो कहती है कि हमने इस दुनिया के साथ क्या कर दिया। तब वो कहता है लेकिन ये दुनिया अभी भी बची हुई है ना, और तभी उन पर कोई हमला करता है और वो दोनों सुजन की फोर्स फील्ड की मदद से नीचे आकर गिरते हैं। और वो कहता है क्या तुमने देखा कि किसने हम पर हमला किया। तब वो कहती है नहीं, लेकिन तभी कोई कहता है कि तुम लोग क्या सोचकर यहाँ पर आए थे। और तभी हम देखते हैं डिफेंडर्स को, जिसमें थे कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल, हल्क, केबल, वुल्वरिन जो कि फ्यूचर वर्जन था इस वुल्वरिन का, और बेन जो कि सुजन को देखते ही पहचान लेता है। लेकिन बाकी लोग अभी भी उन सबको स्क्रल समझ रहे थे, जो कि वुल्वरिन और सुजन का भेष बनाकर आए थे। लेकिन हल्क कहता है कि मैंने सालों से उसे नहीं देखा है, तो बताना शुरू करो कि तुम क्या हो। तब फ्यूचर वुल्वरिन आगे आते हुए कहता है तुमने हल्क को सुना ना, तो बताओ तुम कौन हो। और तभी सुजन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को वहां से दूर करती है और गायब होकर वहां से चलने लगती है। यहाँ पर संभलने के बाद कैप्टन कहते हैं डॉक्टर क्या तुम इस सिचुएशन को इल्यूमिनेट कर सकते हो। तब स्ट्रेंज कहता है मुझे थोड़ा वक्त दो, लेकिन वुल्वरिन कहता है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन्हें पकड़ चुका हूँ। यहाँ पर सुजन उसे गायब करके भगा रही थी, लेकिन वुल्वरिन कहता है तुम समझ नहीं रही, क्योंकि मैं हंटर हूँ वो दूसरा वाला भी हंटर ही होगा, और मैं अपनी नाक अगर एक बार किसी पर रख दूँ तो उसे मरते दम तक नहीं छोड़ता। और हल्क वहाँ पर पहुँच चुका था, और साथ ही साथ वो सारे लोग भी जो कि डिफेंडर्स का पार्ट थे, और वो एक एक करके सबको पकड़ने लगते हैं। सू को हल्क पकड़ लेता है और वुल्वरिन लोगन के साथ लड़ने लगता है, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो दोनों लड़ते लड़ते एक होटल में जाकर गिरते हैं, जहाँ पर वो कहता है मुझे पता है कि तुम क्या हो और तुम क्या सोच रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्क्रल हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे जैसे ही हो तो मुझे पता है कि तुम वार कैसे करोगे और तुम्हें रोकना कैसे है। और वो अपने क्लॉ के साथ उसे घायल करके वहाँ पर फेंकते हुए कहता है तुम हील हो जाओगे और फिर से सनराइज देखोगे, मुझे पता है, और तुम्हारी टीम तुम्हारे पास जरूर आएगी।
एक लड़की आएगी तुम्हारे जिंदगी में जो कि तुम्हारे पास के सारे डिजायरेबल क्वालिटीज तुमसे शेयर करेगी और एक बार फिर तुम्हारी आत्मा अमर हो जाएगी। और वो इतना कहकर वहां से जा ही रहा था कि तभी बेन उसे जोरदार मुक्का मारता है और उसे बेहोश करके सू और वुल्वरिन दोनों को बाहर ले आता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका बात कर रहे थे कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा और उनका मानना था कि हमें उसे बुला लेना चाहिए। तब वो कहता है मुझे पता है कि उसे बुला लेना चाहिए, लेकिन तभी आवाज आती है तो फिर अच्छी बात यह है कि मैं उस चीज को खुद ही देखने आ गया। और तब हम देखते हैं टोनी को जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पर आ चुका था और अपने नए आयरन मैन सूट में था, जो कहता है तो कौन बताना चाहेगा अंकल टोनी को कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या।